अगर आप भी इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इलाहाबाद के इंडियन बैंक में मर्ज होने का प्रोसेस अब अपने लास्ट स्टेज में है। और ऐसा हो जाने के बाद इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस के IFSC कोड बदल जाएंगे। 15 फरवरी 2021 से आपके ब्रांचेस के पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। अगर कोई पुराने कोड का इस्तेमाल करेगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। आपको नया IFSC कोड कैसे मिलेगा ये जान लीजिए। इंडियन बैंक ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में बैंक ने ग्राहकों को नया IFSC कोड प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस बताया है। बैंक के मुताबिक नया IFSC कोड आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर या अपने निकटतम इंडियन बैंक शाखा से भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाने के बाद आपको ब्रांच का पुराना IFSC कोड डालना होगा। इसको सबमिट करने के बाद आपको नया IFSC और MICR कोड मिलेगा। नया IFSC कोड ग्राहक 15 फरवरी 2021 से इस्तेमाल कर पाएंगे। नया IFSC कोड मिलने के बाद क्या करें? नया IFSC कोड मिलने के बाद आप अपने खाते में NEFT, RTGS, IMPS से राशि प्राप्त करने के लिए नया IFSC कोड अपने रेमिटर्स को दे सकते हैं। IFSC कोड होता क्या है ये भी आपको बता दें। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट नंबर के साथ बैंक का IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऐड करना पड़ता है। IFSC 11 अंकों का होता है। MICR कोड क्या होता है? MICR कोड को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से एक सिक्योरिटी बारकोड की तरह ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट भी इलाहाबाद बैंक में है तो आप भी पुराने कोड का इस्तेमाल कर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आपको उसको चेंज करवाना होगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।